हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें इसको ब्रेक करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करके हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे 50 लिखा है तो 50 को हम क्या लिखेंगे, 50 + 1, ठीक है ना। और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 की, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 50 × 2 फिर + 1 × 2, तो 50 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 और ये 2 × 1 = 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 102। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 102। फिर है बी नंबर, बी नंबर में क्या लिखेंगे, 97 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 7, फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो देखिए 90 में जब 8 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 9 × 8 जगह कितना होता है, 72, तो हो जाएगा 72, यानी कि 720 प्लस 8 × 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 जगह कितना हो जाएगा, 87 जगह आपका हो जाएगा 56। तो इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो आएगा 776, तो इसका आंसर हो जाएगा 776। अगला है 21 × 4, तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है ना, तो चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ही करेंगे। 21 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 1 × 4, तो 20 क्या होगा, 20 × 4 + 1 × 4, तो 20 का होगा 24 × 80 और 4 × 1 = 4, तो ये कितना आएगा, 84, तो इसका आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, फिर है डी नंबर, 48 × 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 40 + 8 × 7, तो 40 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लिखेंगे 8 × 7, तो 4 × 7 = 4 जा कितना होता है, 28 280 प्लस 7 × 8 = 56। अब इनको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, 336, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 336। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ई नंबर, 312 × 8, तो 312 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 + 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, तो 300 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 × 8 लिखेंगे, तो 8 × 3 जा कितना होता है, 24 00 प्लस 12 × 8 जा कितना होता है, 108, ठीक है, सॉरी 12 × 8 = 96, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 2496। उसके बाद आते हैं एफ पे, एफ क्या है, 400 + 52 लिखेंगे, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हमें किसका करना है, 3 का, तो 400 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, लिखेंगे 52 × 3, अब 4 × 3 जा कितना होता है, 12, तो 1200 प्लस 53 × 52 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी मेथड बताता हूँ आपको। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 400 + 50 + 2 × 3, अब देखिए 3 में 400 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1200 प्लस 3 × 5 = 15 = 150 और 3 × 2 = 6, अब इनको ऐड करेंगे हम तो आएगा 1356, ठीक है, तो क्या आएगा, 1356। पहले यहाँ पे लिखेंगे ई नंबर 2496 और यहाँ पे आएगा 1356। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग ये वाला करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, 4 क्वेश्चन अभी और बचे हुए तो इनको हमें करना ही करना है। चलिए, तो यहाँ पे है जी नंबर पे 44, तो 44 क्या क्या लिख सकते हैं, 40 + 4 × 5, तो 5 × 4 = कितना होता है, 20, तो 200 + 5 × 4 = 20, तो इसका आंसर आएगा 220, क्या आएगा, 220। फिर है जी हो गया, एच नंबर पे आते हैं 425, तो लिखेंगे 400 + 20 + 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे इनटू, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो 5 × 4 = 20, ठीक है, 2000 हो जाएगा, फिर प्लस 5 × 2 = 10, 25 × 100 और 5 × 5 = 25, तो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2125, तो यहाँ पे लिखेंगे 2125, ठीक है। अब यहाँ पे आई नंबर पे आते हैं, लिखा है 612 × 5, तो 612 को हम क्या लिख सकते हैं, 600 + 10 + 2, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 5 का, 5 × 6 = 30, तो 3000 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 × 10 = 50 + 2, तो इसको जब हम ऐड करेंगे, 5 × 2 = 10, ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3060। फिर है 438
जे नंबर 432 के लिखेंगे 400 प्लस 30 प्लस 8, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 फोर जो कितना होता है 24, डबल ज़ीरो, 6 3 ज़ा 18, 180 प्लस 8 6 ज़ा 48, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2628, क्या आएगा 2628, ठीक है। चलिए तो दोस्त यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।